आप सभी का स्वागत। अरे आवाज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। योग हमारी पुरातन और पारंपरिक बहुमूल्य मानव जाति को देन है। योग मन, शरीर, विचार व कर्म को संयम करने की एकात्मता का मूर्त रूप है। और आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आज पूरी दुनिया में योग की आस्था बढ़ी है, और जिसके कारण 21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाई जाती है। ये झारखंड के लिए सौभाग्य है, ये झारखंड के लिए गर्व की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 21 को झारखंड वासियों के साथ योग दिवस में स्वयं उपस्थित होकर योग करेंगे और झारखंड की धरती से ही पूरी दुनिया को संदेश देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। राज्य सरकार ने तय किया है कि 13 जून को पूरे पंचायत, प्रखंड, जिला, प्रदेश स्तर पर एक प्रशिक्षण शिविर भी लगेगी, जहां हमारे योग के जो प्रशिक्षक हैं वो उनको ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। 21 जून को राज्य सरकार ने तय की है कि पंचायत, प्रखंड, जिला और प्रदेश स्तर पर योग दिवस मनाई जाएगी, और इस योग दिवस में मैं आपके माध्यम से झारखंड की तमाम जनता, हमारे समाज के जो विभिन्न सामाजिक संस्था, व्यापारिक संगठन, किसान संगठन, स्कूल कॉलेज के सभी नौजवान नवयुवतियों और आप सभी मीडिया कर्मियों से भी मेरी अपील है कि 21 जून को आप हजारों की संख्या में पहुंचकर इस योग दिवस को सफल करने का काम करेंगे। आज अभी वेबसाइट के माध्यम से जो भी 21 जून को प्रधानमंत्री जी के योग दिवस में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से वो आवेदन कर दें। जो आवेदित रहेंगे उन्हीं को ही प्रधानमंत्री जी के एक योग दिवस में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो झारखंड की समस्त जनता से मेरी अपील है कि आज के बाद से ऑनलाइन कर आप 21 जून को जो माँ प्रभा तारा मैदान में आयोजित हो रही है वहाँ सम्मिलित हो सके। मैं राज्य के तमाम मुखियागण से भी अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने पंचायत में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी, साझेदारी करते हुए पंचायत स्तर पर भी योग दिवस को सफल करने का काम तमाम जो हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं या अन्य राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों से भी अपील है कि ये जो भारतीय संस्कृति आज योग के माध्यम से दुनिया में भारतीय संस्कृति की चर्चा हो रही है, तो अपनी इस भारतीय संस्कृति को योग के माध्यम से हम दुनिया में पहुंचाने का काम करें, संदेश देने का काम करें। ये सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से भी हमारी अनुरोध है कि इसमें ये भी भाग लें। और योग आज जो इस आधुनिक जीवन शैली में, जहां हमारी जीवन शैली
बदलने के कारण काफी तरह तरह की बीमारियां हो रही है, और ऐसे समय में इस जीवन शैली में सुधार लाते हुए हम योग को अपनी दिनचर्या का विषय बनाते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखें। हेल्दी झारखंड, हेल्दी भारत, स्वस्थ भारत, स्वस्थ झारखंड में महती भूमिका योग निभा सकती है। इसलिए योग का हम दिनचर्या बनाएं अपनी जीवन शैली में, ये समस्त झारखंड वासियों से हमारा अनुरोध होगा। और इस सुनहरा अवसर का सभी लोग फायदा लेते हुए अपने अपने पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर ये कार्यक्रम करें। 13 तारीख को महामहिम राज्यपाल के कैंपस में प्रदेश स्तर पर जो प्रशिक्षण शिविर होंगे वो महामहिम राज्यपाल के कैंपस में है, आप सब भी आमंत्रित हैं। जिला स्तर पर भी प्रशिक्षण होगी, प्रखंड स्तर पर भी होगी और पंचायत स्तर पर भी। सभी डीसी को आदेश दिया गया है कि जिला स्तर पर संगोष्ठी समाज के विभिन्न तबकों के साथ बुलाकर और जो योग विशेषज्ञ हैं उनके साथ भी संगोष्ठी करके ये योग एक जन आंदोलन बने जिसमें सबकी भागीदारी हो, इस सोच के साथ राज्य सरकार काम कर रही है। योग से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। अगर आप विदेश में जाएं तो विदेश में काफ़ी ये योग पॉपुलर हो चुका है, और जिसके कारण अब योग प्रशिक्षक की इतनी डिमांड है विदेश में। अभी मोमेंटम झारखंड के समय जब मैं बहुत सारे देश गए तो वह जानकारी मिली जो फ्लैट्स जो है वहाँ सब फ्लैट्स में योग प्रशिक्षक नियुक्त किए हुए और सारा भारतीय। इस तरह योग के माध्यम से स्वास्थ्य, इस योग के माध्यम से हम अपनी संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा देने का भी काम कर रहे हैं। योग से हमारे लोग को जो योग प्रशिक्षक टीचर हैं उनको रोजगार भी मिल रहा है। इसलिए आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके माध्यम से मैं राज्य की समस्त जनता से अनुरोध करता हूँ कि भारत के झारखंड के लिए गौरव का विषय है कि योग करने स्वयं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार झारखंड उनका आगमन हो रहा और योग के लिए आगमन हो रहा, ये राज्य के लिए, राज्य के स्वस्थ झारखंड के लिए सुखद विषय है। और डिटेल्स आपको हमारे सचिव स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर कुलकर्णी आपको बता देंगे। एक मिनट, लॉन्च किया जा रहा है वेबसाइट। इधर ही बस घुमा के हो गया। चलो अनाउंस कर, पहले डिटेल्स थोड़ा कुलकर्णी जी जो आप पूछना चाह रहे हैं डिटेल्स प्रोग्राम बता दें। रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगा, क्या प्रोसेस होगा? रजिस्ट्रेशन तो लाखों की संख्या में होती है, कैपेसिटी कितनी होगी? इस कार्यक्रम में लगभग 30,000 से 35,000 लोगों की रहने की व्यवस्था होगी अपने योगा करने के लिए, क्योंकि ये कार्यक्रम ओपन एयर कार्यक्रम है, इसमें कोई टेंट नहीं रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य व्यक्ति इस ओपन एयर कार्यक्रम में ही भाग लेंगे। इस बार का योगा डे जो है वो एक इको फ्रेंडली थीम से ही मनाया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर आप जो रबर मैट्स हम लोग अक्सर देखते रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे, इस बार खादी के मैट्स इसके लिए आपूर्ति किए जा रहे हैं। और कार्यक्रम के लिए हम लोग केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, सभी जिला मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय, सभी पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और कार्यक्रम के पूर्व के रूप में एक सप्ताह पहले ही 15 तारीख को रन फॉर योगा सभी जिलों में आयोजित होगी। उसके अलावा जो विभिन्न विद्यालय हैं वहाँ पर वाद विवाद प्रतियोगिताएँ, पेंटिंग प्रतियोगिताएँ और जैसा सर ने कहा एक परिचर्चा अंतिम दिन वो आयोजित की जाएगी। इसका पूरा कार्यक्रम सभी जिलों को हम लोगों ने भेज दिया है। और ये जो कार्यक्रम रांची में आयोजित होने वाला है ये सवेरे आयोजित होगा। मुख्य योगा का, एक्चुअल योगा का कंडक्ट सवेरे 7 बजे प्रारंभ होगा, उसके पूर्व माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन होगा और उसके बाद ये कार्यक्रम समाप्त होगा। एक कभी माननीय मुख्यमंत्री जी का रजिस्ट्रेशन से ही सब लोग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की प्रारंभ कर दे रहे हैं। इसका
IDY रांची इसका लिंक है, IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो शॉर्ट फॉर्म होता है IDY रांची, और दूसरा कौन सा आपका योगा इंडिया डॉट। हाँ, ये दो सिस्टम्स है, इसके माध्यम से हम लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी चूंकि सुरक्षा का मसला इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व है, इसलिए इसकी जांच के पश्चात ये ई पास स्वतः जो रजिस्ट्रार जिसने किया है उसी को अपने से ही निकालना है, और इस पास के आधार पर ही वहाँ पर एंट्री मिलेगी। इसमें उसका कहाँ उनको बैठना है वो भी उसको दिखा रहे हैं। उसके जगह हम लोग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, अभी व्यवस्था उसी सब चीज पर हो रही है, क्योंकि जो जगह जो उपलब्ध है हम लोग उसी के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जो रजिस्ट्रेशन नहीं कराएगा वो योगा में नहीं जाएगा क्या? आप घर घर में योगा करिए, कहाँ रोक घर घर में बोल रहे हो? नई नई व्यवस्था आप लागू कर रहे हैं। नहीं नहीं, मोहल्ला मोहल्ला योग करिए, आप अपने मोहल्ला में योगा कराइए। कांके रोड से शुरू कर रही है, कांके रोड से शुरू कर, कांके पंचायत में होगा, कांके पंचायत में भी होगा, कांके प्रखंड में, कांके रोड से तब करी मापा तारा मैदान से तो कर ही रहे। नहीं, बाबा रामदेव जी को आमंत्रित नहीं किया गया, उनका दूसरी जगह दूसरे प्रदेश में कार्यक्रम। हाँ, रात में आएंगे मंत्री। चल पास ये पर बारकोड स्कैनर के माध्यम से